रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने कहा कि 1 जनवरी 1998 से आज तक रीवा की जनता ने एक ही पार्टी के महापौर को चुना। विकास की बातें होती रहीं, पैसे की कमी नहीं है ये कहा जाता रहा, तब भी विकास के साथ गंदी बस्ती भी बढ़ती चली गई। रीवा शहर को महानगर बनाने की बातें होती रहीं। आज रीवा नगर निगम क्षेत्र में विकास के साथ 104 गंदी बस्ती भी बन गई है, जिसमें निवास करने वाली 39,845 की आबादी निवास करती है। 9,116 घर हैं और किसी ने उनकी सुध नहीं ली कि उनका जीवन कैसा है। घोर उपेक्षा के कारण लगातार मूलभूत सुविधाएं आज तक इन बस्तियों को नहीं मिल पाई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? रीवा नगर निगम क्षेत्र में नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा जारी किए गए रीवा विकास योजना 2035 के प्रारूप में जानकारी दी गई कि नगर निगम रीवा के वार्डों में गंदी बस्तियां, वार्ड क्रमांक 1 में निपनिया चौराहा बस्ती, हरजन बस्ती, कुमरान बस्ती, शिवपुरवा मोहल्ला, शिवपुरवा आदिवासी एवं सोंधिया बस्ती, कुरान बस्ती, तो वहीं वार्ड क्रमांक 2 में हरजन बस्ती, अमरया टोला, दो ही टेकुआ, पुष्पराज नगर के पीछे वाली बस्ती, लखौरी बाग बस्ती, बनियान तालाब रोड बस्ती, बनिया तालाब बस्ती शामिल है। तो वहीं वार्ड क्रमांक 3 में कुमरान टोला, हरजन बस्ती, कृषि महाविद्यालय के पास हरजन बस्ती, इसी तरह से वार्ड क्रमांक 4 में हरजन बस्ती, हरजन बस्ती नहर के पास चुरहटी, चुरहटा बस्ती, गुरुकुल स्कूल के पास कुलान मोहल्ला, खोभर बस्ती, बाबूपुर बस्ती और वार्ड क्रमांक 5 में हरिजन बस्ती, खैरा बस्ती, तो वार्ड क्रमांक 6 में झेरिया, कबाड़ी मोहल्ला, टीआरएस कॉलेज के पीछे, वार्ड क्रमांक 7 में चिलवा टोला, कोलान बस्ती, बोदा रोड चर्च के आगे, वार्ड 9 में नीम चौराहा, चौबन टोला, चिलवा टोला, तो वहीं वार्ड क्रमांक 9 में निराला नगर हरिजन बस्ती 1, निराला नगर हरिजन बस्ती 2, बोदा बाग पुरानी बस्ती, वार्ड 10 में तुलसी नगर इंदिरा बस्ती, शिव नगर हरिजन बस्ती, वार्ड 12 में स्नेह पेट्रोल पंप के पीछे खुटे ही वार्ड, 14 में हरिजन बस्ती कोरिया टोला, तो वार्ड 15 में रतहरी विद्यालय के पास की बस्ती बिलुहान बस्ती, संजय बस्ती, इसी तरह से अकोला बस्ती, पटक नटोला, रतहरा बस्ती 1, रतहरी बस्ती, रतहरा बस्ती 2, वार्ड 16 में कुलान बस्ती 1, कुलान बस्ती 2, तो वहीं वार्ड क्रमांक 17 में हेडगेवार विकास कॉलोनी, अली अहमद के पीछे वाली बस्ती, बाबा होटल के पीछे वाली बस्ती, इसी तरह से वार्ड क्रमांक 18 आनंद निवास घोघर के पीछे, वेंकट टाकीस के पीछे, रसिया मोहल्ला, मार्तंड विद्यालय के पीछे, वार्ड क्रमांक 19 में कबाड़ी मोहल्ला, कबाड़ी मोहल्ला के पीछे वार्ड क्रमांक 20 खन्ना चौक के पास, वार्ड क्रमांक 22 में गल्ला मंडी के पीछे, वार्ड क्रमांक 24 की बात करें तो कसम रियात मोहल्ला, कसम रियात मोहल्ला 2, वार्ड क्रमांक 25 की बाणसागर कॉलोनी, हरजन बस्ती, बाणसागर बस्ती, वार्ड क्रमांक 26 में पांडव नगर, पुरानी पोखरी, बदराव बस्ती, अम्बेडकर, हरजन बस्ती, ललन टोला, पोखरी टोला, बदराव बस्ती 2, वहीं वार्ड क्रमांक 27 में तोपखाना, झंकार टाकीज, इसी तरह से वार्ड क्रमांक 28 में धोबिया टंकी, वार्ड क्रमांक 30 में हरजन बस्ती, चिकना बस्ती, चिक्वा टोला, वार्ड क्रमांक 31 अल्लाह रखा घर के पीछे नगरी चौराहा के पास, तो वार्ड क्रमांक 32 मलियान टोला, वार्ड क्रमांक 35 में घोघर बस्ती, वार्ड क्रमांक 38 की बात करें तो वहाँ नगरिया चौराहा, शिवजी मार्ग, और इसी तरह से वार्ड 39 में भी बस्तियां हैं जहां भैरव नगर, रानी तालाब, हरिजन बस्ती, रानी तालाब बस्ती, वार्ड क्रमांक 40 की बात करें तो नया तालाब, वार्ड क्रमांक 41 की बात करें तो हरिजन बस्ती, वार्ड क्रमांक 42 में अरिहन टोला, वार्ड क्रमांक 43 में बदराव बस्ती, आदिवासी बस्ती, बदराव हरिजन बस्ती, कुरान बस्ती, बदराव हरिजन बस्ती, बदराव कोलन टोला, तो वार्ड क्रमांक 44 की बात करें तो वहाँ सवा नाला, महाजन टोला के पीछे, महाजन टोला, नई बस्ती, लक्ष्मण बाग बस्ती, वार्ड क्रमांक 45 की बात करें तो वहाँ कुठुलिया हरिजन बस्ती में लोग रहते हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से कहीं दूर, कुठुलिया हरिजन बस्ती है जहाँ लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। किसान सुब्रत ने इन सभी बस्ती के लोगों के लिए जनप्रतिनिधियों से, जिला कलेक्टर से, नगर निगम आयुक्त से मांग की है कि इन बस्तियों के नाम में लगा गंदी बस्ती को हटाने के लिए अब प्रयास किया जाना चाहिए। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर यहां रह रहे लोगों को नगर निगम की सभी सुविधाएं देने के काम किए जाएं, जिससे इन्हें अच्छी बस्ती में परिणित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। रीवा में 104 गंदी बस्तियां हो गई, आप सोच सकते हैं लगातार
महापौर के चुनाव होते रहे, हमारे सांसद और विधायक बनते रहे। आप देख सकते हैं हमारी ये गंदी बस्ती का नाम दे दिया गया, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं गंदगी का आलम। जैसे ये नगर निगम में हो ही ना, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, क्या ये बस्ती नगर निगम में नहीं आती है? क्या यहाँ स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय से और अपने रीवा के जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इन बस्तियों में घुमा दीजिए। ये बस्तियों के लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं? ये बस्तियों के लोग आखिर हम सब लोग के बीच के ही हैं, इनको भी जीवन का अधिकार चाहिए। यहाँ ना पानी है, न यहाँ सफाई है, और स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। कम से कम आप यहाँ पे स्वच्छता अभियान चला के इस बस्ती को स्वच्छ तो कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ आश्वासन और लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं। हमारे शहर में फ्लाई ओवर बन रहा, हमारा शहर महानगर बन रहा, लेकिन हमारे ये गरीबों की सुनवाई कोई नहीं। हमारे गरीबों का जीवन और दिनों दिन दुर्भर हो रहा है। हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि इन सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं दीजिए। ना यहाँ पे सुलभ शौचालय है, ना यहाँ पानी के पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, और ना यहाँ पे सफाई है। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं ये डिब्बे लेके जा रहे हैं यहीं पे पानी में, यहाँ पानी, ये गंदे पानी में नहाना पड़ रहा है। ये हम सब लोगों को, रीवा वासियों के लिए एक प्रश्न है कि क्या आप, यही विकास है? आप हम सब लोग इस विकास को भी देखिए और इनके जीवन में भी मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए भी आइए, हम सब मिलकर प्रयास करें। सही।